पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। वो पत्नी साजिश करती थी, वो पति को मारने की ऐसी साजिश कर रही थी कि जो नाकाम नहीं हुई, कामयाब हुई और पति इस दुनिया में नहीं रहा। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम वारदात देख रहे हैं। बिल्कुल टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल या अन्य टीवी सीरियल के अंदाज में, फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहाँ पति अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था लेकिन उसकी पत्नी किसी और को चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी साजिश की कि उसके पति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि फिल्मी अंदाज में या टीवी सीरियल देखकर कुछ घिनौने अपराध जन्म ले रहे हैं। इस पूरी घटना में तो यही कहा जा सकता है कि टीवी सीरियल शायद अपराधियों को कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जिसका वो उपयोग करके मध्य प्रदेश में अपराध को जन्म दे रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पति अपनी पत्नी को बेपरवाह मोहब्बत करता था, उसे अपनी पत्नी के बिना एक पल भी जीना कबूल न था, लेकिन उसकी पत्नी फिल्मी स्टाइल और क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर एक साजिश रच रही थी, जिसमें वह अपने पति को मारने में कामयाब भी हो गई। प्यार धोखा और साजिश की यह दास्तां मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार क्षेत्र से जुड़ी है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ और एक प्रोफेशनल कातिल को सुपारी देकर अपने पति का 20 सड़क पर कत्ल करवा दिया। यह प्यार में धोखे की दास्तां सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस महिला का नाम प्रियंका है और इसकी शादी 5 साल पहले अमलाई के रहने वाले मुकेश सिंह से हुई थी। दोनों के एक 4 साल की मासूम बेटी भी है, लेकिन प्रियंका के अवैध संबंध अपने ही भाई के साले अमित से थे, जो शहडोल का रहने वाला था। दोनों अक्सर मिला जुला करते थे, लेकिन प्रियंका अपने प्रेमी अमित की ऐसी दीवानी हो गई कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की मौत की साजिश रच डाली। दोनों ने 50,000 रुपए में एक प्रोफेशनल किलर भोलू केवट को हायर किया। साजिश में तय शुदा तारीख के अनुसार प्रियंका की जिद पर उसका पति मुकेश और 4 साल की बच्ची बाइक पर सवार होकर शहडोल बाईपास NH-43 बुढ़ार सड़क से निकले। अचानक बाथरूम का बहाना बनाकर प्रियंका ने बाइक रुकवाई और फिर तभी पीछे से उसका प्रेमी अमित सिंह आ गया, साथ में प्रोफेशनल किलर भोलू केवट था। दोनों ने लोहे की राड से मुकेश के ऊपर जानलेवा कई हमले किए और फिर भाग गए। पत्नी ही गाड़ी रुकवाई है बाथरूम करने के बहाने। पत्नी बोली कि थोड़ा रुको, मेरे को बाथरूम जाना है। तो बाथरूम जाना है जब पति पत्नी जब साथ में हो, दूसरा कोई तो है तो बगल में बैठ के मतलब बाथरूम कर सकती हो। तो जब पति के इतना दूर खड़ा करा के, तो मतलब 100 गज दूर जाने क्या मतलब है बाथरूम करने की। हाँ, उसका मतलब कि दोनों का मतलब कि कुछ मिली सरकार था और आना जाना कुछ उस पर रहता था। और जैसे यहाँ जब साहब लोग आए बयान हम लोग को लेने लगे, तो हम लोग को नाम पता लिखे हैं और मोबाइल नंबर लिखे हैं। और उस लड़का की जब लाया गया, जैसे उसका मतलब कि मोबाइल का नंबर लिए हैं, तैसे तुरंत सर्च आगे वहाँ से आए, तुरंत उसको मतलब गिरफ्तार कर लिखी यही है। तब उसको साहब लोग पकड़ गए, SP साहब भी वहाँ थाना में ले गए, तो सारा जो है वो कबूल किया। मौके पर पुलिस पहुंची। पत्नी ने बताया कि लूट के इरादे से यह घटना हुई है, जिसे अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया है। फिर प्रियंका ने अपनी बात को पलटाया और कहा कि यह मौत सड़क हादसे से हुई है। बुढ़ार पुलिस को शक हुआ, उसने जब प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने थी। प्रियंका ने अपने प्रेमी और प्रोफेशनल किलर के साथ मिलकर मुकेश का कत्ल करवाया था।
प्रथम दृष्टया पुलिस ने पाया कि जो हत्या का मामला था तो वहीं देहाती नाल थी 302 की लेने के बाद में पुलिस ने अपनी विवेचना और साइबर की विवेचना चालू करी है। उसमें 3 आरोपी राउंडअप किए गए हैं। उसमें मृतक जो वहाँ पर था वो मुकेश सिंह आमलाई में रहने वाला था, उसकी हत्या में 3 लोग इन्वॉल्व थे, उसकी पत्नी साथ में 2 व्यक्ति और थे। अमित सिंह नाम का एक आरोपी मेन आरोपी था जिसने हत्या में पूरी योजना से काम किया था। और इसमें अमित सिंह का पारिवारिक संबंध था मृतक के परिवार से, और कुछ पारिवारिक घनिष्ठता के कारण कुछ विवाद भी था लेन देन का, इन्हीं वजहों से हत्या की थी। और उसमें मृतक की पत्नी इन्वॉल्व थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और 3 को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मासूम बिटिया माँ के आंचल में डर कर छिप कर अपने पिता को मरते हुए देख रही थी। मासूम अब दादा दादी के पास है, लेकिन वो पति मुकेश जो पत्नी को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसी पत्नी ने हवस की वजह से प्रेमी के साथ मिलकर वो साजिश की जिसमें एक मासूम अनाथ हो गई। माँ बाप का जवान बेटा चला गया। प्रियंका और अमित के साथ भोलू केवट अब सलाखों के पीछे है। पता चला है कि टीवी के क्राइम एपिसोडों से यह तरीका इन कातिलों ने निकाला था। अपराधी कितना भी सातिर बदमाश क्यों ना हो, उसकी एक गलती उसे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा देती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।